हिमाचल प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में धर्मशाला में आयोजित जन आभार रैली का सीधा प्रसारण यहां जिला मुख्यालय में किया गया। मंडी के सेरी मंच तथा चौहाटा में स्थित बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने रैली का सीधा प्रसारण देखा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विचारों को सुना। ईमानदार प्रयास का एक साल विकास का इस रैली का सूत्र वाक्य रहा। रैली के सीधे संवाद को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रातःकाल से ही उत्साह बना हुआ था। उन्होंने कहा कि वह वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य किया है। इस अवधि में जनमंच के माध्यम से लोगों के घर द्वार पर उनकी समस्याओं का शिकायतों का निवारण करने तथा विभिन्न नागरिक सेवाएं एक छत के नीचे प्रदान करने की पहल की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हिम केयर सहित 30 नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए बिना किसी आय सीमा की वृद्धावस्था पेंशन की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न प्रयास परियोजनाओं के लिए उदार सहायता राज्य को प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण, कृषि व बागवानी विकास सहित और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं आरम्भ कर लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर मंडी शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया और सरकार के कार्यों की सराहना भी की। जो बातें उन्होंने बताई अच्छी बातें और जो हिमाचल के लिए खास तौर पर पर्यटन से जुड़ी और जो उपलब्धियां हैं और आने वाले मौके जिन की उसमें वो तैयार करेंगे अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की। हमने प्रोग्राम देखा जो कि लाइव टेलीकास्ट किया गया धर्मशाला से और यहाँ की काफी पब्लिक उसमें देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। जितनी धर्मशाला भीड़ थी उससे ज्यादा यहाँ मंडी में भीड़ थी और सभी जो है नरेंद्र मोदी भाई को सुनने के लिए खड़े थे और सभी उनके पूरे ध्यान से बात सुनी और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो नरेंद्र भाई ने मोदी जी ने गुणगान किया उससे पूरे हिमाचल वालों को और खासकर मंडी वालों के लिए वो एक बहुत ही ऊर्जा मिली है। और कि एक तो पहली बार जो हिमाचल का मंडी जिले का जो है मुख्यमंत्री बना है उसके लिए हमारे को बड़ा श्रेय मिला है और हमारे को ऊर्जा मिली है कि हमारे मुख्यमंत्री का जो कार्य एक साल का हुआ है उसमें काफी अच्छा कार्य हुआ है और आगे भी करने के लिए काफी उन्होंने सोर्स बताए हैं जिसकी कि हमारे सेंटर से भी पूरी अमदाद मिलने की पूरी संभावना है। और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई है जो भारत के विकास के लिए और हिमाचल के विकास के लिए लाभकारी होंगी। हिमाचल सरकार ने बहुत सारा किया हुआ है जैसे मोदी जी ने बोला वन रैंक वन पेंशन आर्मी के लिए बहुत जरूरी है वो और फिर आज जनमंच बहुत अच्छा है जो उन्होंने बोला अच्छा लगा। एक साल में जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बोल रहा है तो सबसे पहले इन्होंने जो पेंशन योजना चलाई पहले 80 साल से ऊपर मिलती थी और अब इन्होंने 17 साल से ऊपर कर दी तो ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं ये भी चाहूंगा सरकार से मांग भी करूंगा कि वृद्ध और आपके वृद्ध अपंग और विधवा पेंशन जो है इसमें आय की सीमा जो हटाई जाए। दूसरा जो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि 5 लाख तक जो है आयुष्मान जो योजना है उसमें दे रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि किसी गरीब के व्यक्ति के पास यदि पैसा नहीं है तो सरकार उसकी हेल्प करती है। और तीसरा कार्य जो पर्यटन के क्षेत्र में कर रही है सरकार वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है इससे हमारे पर्यटन क्षेत्र में आय की हमारे आय भी बढ़ेगी और हमारे देश हमारे राज्य का विकास होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा जो साल रहा बहुत अच्छा रहा और बहुत उपलब्धियां हुई इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नेतृत्व का भी नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो हमारे कार्य में करता ही मतलब पैसे देने की आर्थिक सहायता करता ही रहता है। तो एक साल की वर्तमान सरकार की उपलब्धि का प्रश्न है निस्संदेह स्वच्छता के क्षेत्र में या कई एक विकास कार्यों के क्षेत्र में जो है सराहनीय कार्य हुए हैं लेकिन इसके साथ ही बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सरकार नशे के क्षेत्र में जो है बहुत पीछे है क्योंकि
नशे के कारण या नशे की जो शराब आदि जो फेंक दी जाती है उसका कारण जो आय होती है, तो अगर उसकी तुलना जो यह होता है नशा उन्मूलन अभियान के लिए या एक्सीडेंट या दूसरी कारण या बीमारियों आदि के कारण वो उससे कई गुना ज्यादा है, तो क्या अच्छा हो कि सरकार जो है अगर नशे के ऊपर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगाती है तो शायद सराहनीय रहेगा। लेकिन नशे के ऊपर प्रतिबंध केवल कानून से नहीं लगाया जा सकता। कानून से अगर किसी को सजा देती है या किसी को जुर्माना करती है उसका असर भी उस परिवार पर पड़ता है जो जिस परिवार से संबंध रखता है, तो क्या अच्छा हो कि ऐसी मुहिम जो है ऐसा कंपेन जो है चलाई जाए जिससे नशे से जो है देवभूमि हिमाचल को पूर्णतया मुक्त किया जा सके, शायद ये सराहनीय प्रयास है।